हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए पूरे बुक का निचोड़ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। यानी हिंदी का ये पूरे बुक का निचोड़ एक ही वीडियो में है। सात सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट वन का वीडियो है स्टूडेंट, इसके बाद में हमारा पार्ट टू का वीडियो आएगा, क्योंकि पार्ट वन का ही वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। YouTube के इतिहास में पहली बार ये वीडियो है जो कि सात महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं प्रश्न सहित उत्तर भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये सात टॉपिक आप तैयार कर लोगे तो आपका 50 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 50 नंबर का एक वीडियो आए और आएगा जो कि पार्ट टू का वीडियो रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार 100 में से 95 प्लस का हिंदी में टारगेट लेकर चल रहे हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से सात इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न कर दिया है। तो सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, दूसरा आप रख लीजिए महत्वपूर्ण गद्यांश को। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण पद्यांश, जीवन परिचय लेखक का, जीवन परिचय कवि का, और कहानी और खंड काव्य। ये सात इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, सभी प्रश्न सहित उत्तर बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। देखिए, क्लास 12 हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 5 आपके गद्य के होते हैं और 5 पद्य के होते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शंस में देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में भी ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये 5 जो है गद्य, आपका शुरुआत में 5 गद्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें भी मैंने 5 गद्य प्रश्नों को लेकर आया हूँ। हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे, वो आपके बालकृष्ण भट्ट थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया था इसका संपादन, यानी प्रथम, इसका जो प्रथम अंक का संपादन हुआ था वो 1877 में हुआ था, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नगरी, यहाँ पर देखिए, नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की किन्होंने किया था, श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल ने, संपूर्णानंद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि स्थापना की थी स्टूडेंट। तो दूसरे प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास। ठीक है, यानी दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा। कब किया था भैया, 16 जुलाई। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस में आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ, 16 जुलाई 1893 कहाँ पर, वाराणसी में, जो कि श्याम सुंदर दास ने नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। तो जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को हिंदी के मॉडल पेपर में बताया हुआ है, इनमें से आपका 1900 ईस्वी हो जाएगा जो कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। अब इसका प्रकाशन किसने किया, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका प्रकाशन बाबू चिंतामणि ने किया था। किसने किया था, बाबू चिंतामणि ने। अब आप लोग सोचेंगे कि सर उसमें तो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन आप बाबू चिंतामणि क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने क्या पूछा है, प्रकाशन का पूछा है, संपादक या उसके संपादक की बात होती, ठीक है, उसके संपादक के तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे जब उसके संपादक की बात होगी सरस्वती पत्रिका की, लेकिन यहाँ पर प्रकाशन किसने किया था, बाबू चिंतामणि ने। ठीक है, तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, जयशंकर प्रसाद की कृति है, इनमें से जो जयशंकर प्रसाद की कृति है वो कौन सी हो जाएगी, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी, यानी 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही विकल्प है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को बाकायदा तैयार कर लेना है। मैंने अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए वीडियो देखकर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पंडित दीनदयाल के पिता थे। पंडित दीनदयाल के पिता का क्या नाम था आप लोग कमेंट में बताइएगा। पंडित दीनदयाल के पिता जो थे स्टेशन मास्टर थे, ठीक है, रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। और इनके पिता का क्या नाम था भैया, भगवती, ठीक है। आप लोगों ने जीवन परिचय के बारे में देखा होगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय इनके पिता का नाम था, ठीक है। तो क्या थे, स्टेशन मास्टर थे। इनमें से कोई पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जीवन परिचय भी तैयार कर लेना है। अब देखिए हमारे पांच गद्य के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। छः नंबर है, वीर गाथा काल के कवि कौन है। तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रबादाई हो जाएगा, यानी छः नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सात नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना भक्ति काल की है, यानी इनमें से कौन सी एक रचना है जो कि भक्ति काल की है, द्वापर, त्रिय प्रवास, सूर सारावली या साकेत। तो इनमें से जो सूर सारावली है जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया रचना है, जो कि सूरदास जी एक भक्त काल के क्या है, कवि हैं, और सूर सारावली भक्त काल की ही रचना मानी जाएगी, यानी जिनके कवि होंगे उन्हीं की वो रचना है और उसी काल से संबंधित रहेगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को पता होगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि 1912 में ये उपाधि इनको प्राप्त की गई, 1912 में उपाधि मिली मैथिली शरण गुप्त को, कौन सी उपाधि, राष्ट्रकवि का सम्मान वाली, ठीक है। नौ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है रस कलश, चांद का मुंह टेढ़ा, प्रदक्षिणा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जो रचना हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आप लोग बताइएगा। इनमें से रस कलश हो जाएगा, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय और जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आप लोग कहेंगे सर महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद से भी पूछे जाते हैं, तो उनसे भी पूछे जाते हैं और इनसे भी बोर्ड एग्जाम में अधिकतम रचनाएँ पूछी जाती हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। दस नंबर है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है, ठीक है। तो भैया इनमें से कौन सी रचना जो है नाटक नहीं है, अपना अपना भाग्य, ठीक है, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा ये रचना नाटक नहीं है, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें भी मैंने शुरुआत में 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया है, यानी जिस तरह से पेपर में आपके सारे क्या है स्टेप बाय स्टेप पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से मैं क्वेश्चंस का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय के पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, पांच आपके गद्य, पांच आपके पद्य। तो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाकर देखिएगा। देखिए हमारा गद्यांश पद्यांश आ चुका है, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ऐसे लिखोगे 100% पूरा नंबर मिलेगा। कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश, टोटल आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। टॉपर की तरह लिखना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिस तरह से टॉपर गद्यांश और पद्यांश को हल करता है बिना पढ़े हुए, वैसे ही हम आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताएंगे और इसमें ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर के आपके गद्यांश पद्यांश ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम गद्यांश को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में दो गद्यांश दिए होते हैं। फिलहाल मैं एक ही गद्यांश को आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले स्टूडेंट आपको गद्यांश सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस चैप्टर से ये गद्यांश लिया है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि इसके चैप्टर और इसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको कैसे पहचानना है, मान लीजिए कि आपको चैप्टर का नाम नहीं पता है तो आप कैसे पहचानेंगे, आपने चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, लेखक को उनको जानते हैं, तो आपको एक ट्रिक देखना है, यानी उसमें एक प्रकार से कहते हैं ना कि क्लू मिल जाता है, कोई भी सबूत होता है पुलिस को तो एक वो मिल जाता है ना कि क्लू, एक पॉइंट मिल जाता है कि भैया ये इस तरह से होगा। सेम इसी प्रकार से आपको गद्यांश में भी ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अद्भुत है ये मेरा मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है, मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर निंदा की बात हो रही है, अब आप लोग समझ जाइए कि किस चैप्टर से लिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर आगे पढ़ते हैं, निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैंने लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ, मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार में काटता चला।
जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है, वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। कैसे आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर, योद्धा को ऐसा ही सुख होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे निंदा की बात हो रही है, तो भैया चैप्टर का नाम क्या है? निंदा रस। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो गया। कैसे कन्फर्म हो गया, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, किन्हीं एक को करना होता है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रश्नों का उत्तर आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को हल करते हैं, चलिए दिखा देता हूँ। अब देखिए, इसके मैंने गद्यांश को आपको बता दिया, लेकिन इसके गद्यांश के भी कितने 5 प्रश्न होते हैं, उन्हीं 5ों प्रश्न का हमें उत्तर देकर, क्योंकि 1 प्रश्न 2 नंबर का होता है, उन्हीं का जब हम उत्तर देंगे, ठीक है, उन प्रश्नों को देखकर हम इस गद्यांश को बढ़ेंगे, उन प्रश्नों के हिसाब से हम इस गद्यांश का पूरा उत्तर देंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर भैया हमारा 2 नंबर कन्फर्म हो गया, क्योंकि मैंने पाठ और लेखक का नाम क्या है बाकायदा आपको बता दिया है, और आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कैसे ढूंढना है। आपको पूरा गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ पर ट्रिक देखना है कि भैया कौन सा ट्रिक मिल जाए, कौन सा पॉइंट मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप है, तो उसमें राष्ट्र की बात होगी, ठीक है, माता भूमि की बात होगी, अशोक के फूल में अशोक के फूल की बात होगी, ये सभी चीज़ें की बात होगी। भाषा और आधुनिकता में चैप्टर का नाम ही दिया होता है, उस गद्यांश में भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से गद्यांश को आपको हल करना है। तो चैप्टर का नाम आपको पता चल गया, बाकी के 4ों क्वेश्चंस को चलिए देख लेते हैं। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका गद्यांश हो या पद्यांश, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, चैप्टर का नाम और कवि लेखक दोनों का नाम। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके इसी जो गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश इसी से लिया होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको हल करना है गद्यांश को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमें पहला क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, जैसे कि उपयुक्त गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम बताना है, तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना है, चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये क्या है लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है, हमें सबसे पहले स्टूडेंट ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में आपके 2 गद्यांश दिए जाते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला वाला करना है, तो ये इस तरह से लिखेंगे कि अद्भुत, ठीक है, अद्भुत है मेरा, अद्भुत है मेरा, ठीक है, अद्भुत है मेरा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेकर जो लास्ट वाला 2 वर्ड है इसको यहाँ तक लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को ये कंफर्म हो जाए, एक संकेत होता है स्टूडेंट, कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से आपने लिया है। बाद ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे, होता होगा, होता होगा, ठीक है। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने ये गद्यांश को हल किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर के बारे में बता देना है, यानी संदर्भ लिखना है सिंपल। तो चलिए संदर्भ लिखकर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। संदर्भ इस तरह से नीचे अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर मैंने संदर्भ लिखना है। चलिए संदर्भ लिखकर हम आपको पूरा दिखा देते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था आपका हरिशंकर परसाई का निंदा रस। चलिए देखते हैं, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा, ठीक है, पाठ्यपुस्तक के गद्य गरिमा, यहाँ पर मुझे ब्लैक पेन का यूज करना है, गद्य गरिमा, ठीक है, गद्य गरिमा हो गया, पुस्तक के गद्य गरिमा में संकलित, में संकलित, ठीक है, गद्य गरिमा में संकलित, तथा हिंदी के प्रसिद्ध संकलित, तथा हिंदी के, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध,
ठीक है, ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को संदर्भ लिखना है। मैं आपको दो तरीका बताऊंगा जो कि ईजी है, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख दीजिएगा। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार श्री, ठीक है, व्यंगकार, ठीक है, अब यहाँ पर कालेपन का प्रयोग करना है, श्री हरिशंकर, श्री हरिशंकर, ठीक है, परसाई द्वारा, परसाई द्वारा लिखित अब क्या नाम है हमारा चैप्टर का नाम आ जाएगा, निंदा रस, ठीक है, निंदा रस। अब इसको क्या कर देंगे हम, ब्रेकेट के अंदर कर देंगे, निंदा रस शीर्षक से लिया गया, इतना आप लिख दीजिएगा, शीर्षक से लिया गया, शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है, ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। अब ये संदर्भ हो गया, हमें चैप्टर का नाम बताना था और लेखक का नाम बताना था, इतना आप लोग लिख देंगे, दो नंबर कंफर्म हो जाएगा। और एक और तरीका होता है सिंपल सा, स्टूडेंट क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर ऐसे लेखक का नाम लिख दीजिएगा, लेखक का, जैसे आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेखक का नाम और पाठ का नाम, इस तरह से लिख सकते हैं, पाठ का नाम, तो आपको लेखक का नाम हरिशंकर परसाई लिख देना है और पाठ का नाम निंदारस लिख देना है, दो नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप संदर्भ लिखिए, ठीक है, इससे लिखने से होता है कि एग्जामिनर इंप्रेस होता है, देखता है कि भैया बच्चे को तरीका मालूम है संदर्भ लिखने का, ठीक है, नहीं तो समझेगा कि भैया तरीका ही नहीं मालूम है कैसे गद्यांश को हल किया जाता है, तो ऐसे संदर्भ को लिखना है, ठीक है, हमने बता दिया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो रेखा खींची हुई है, अब इसमें देखेंगे रेखा कहाँ पर खींची हुई है, ये देखिए, अद्भुत है मेरा ये मित्र उसके पास, ठीक है, अद्भुत है, किसकी बात हो रही है भैया, अद्भुत है ये मेरा मित्र, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर हमें, यानी यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक, यानी जितनी लाइनों को खींचा गया है इसका पूरा अर्थ बताना, हिंदी में पूरा हम अर्थ बताएंगे, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर जो परसाई जी हैं इन्होंने इसका अर्थ बताया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ हम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, तो ये देखिए, इसका मैंने ऑलरेडी रेखांकित अंश की व्याख्या किया हुआ था, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे करना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट में बात करूं, कौन कौन से जो हैं गद्यांश इंपॉर्टेंट है तो आगे हम बताते हैं आपको। देखिए, रेखांकित अंश की जो व्याख्या है कि लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास दोषों और बुराइयों का अच्छा, दोषों का अर्थ होता है यानी कई सारे दोष निकालना, यानी कमियां निकालना, दोषों और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है, उनके सम्मुख उसी की निंदा में, ठीक है, सूची पत्र है उनके सम्मुख, जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वो उसी का निंदा में चार छः वाक्य बोल दिया करता था। लेखक की मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी अपने कुछ एक परिचितों की जो उसके विरोधी हैं कि निंदा उसके माध्यम से करवा लें, ठीक है, यानी जो भी उसके परिचित हैं उनके माध्यम से, यानी दो चार वर्ड उसके माध्यम से वो बुलवा दें, ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, यानी बेसिकली इसका अर्थ आप लोगों को बताना है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं, नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया है, ठीक है, तो देखिए, लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया हुआ है, ठीक है, लेखक जो ने हरिशंकर परसाई जी ने, ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है, दो नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे, यानी दो प्रश्न कंपलसरी होता है स्टूडेंट, मैंने बताया हर गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं, बाकी के जो तीन क्वेश्चंस होते हैं वो उसी गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया है, ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला है कि योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त
होता होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इसी में गद्यांश में मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, बिना पढ़े भी आप लोग हल कर सकते हैं गद्यांश को, ऐसे ही आप लोगों को हल करना है। जो तीन क्वेश्चन को मैंने बताया है ऐसे ही आप लोग लिखोगे, मिल जाएगा तीनों क्वेश्चन का आंसर, इनमें से आपको आंसर उसका मिल जाएगा, आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गद्यांश को हल करने का सही तरीका था, मैंने आपको संदर्भ लिखना बता दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या करना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट, तीन चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके गद्यांश उसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहला राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, दूसरा अशोक का फूल, और तीसरा निंदा रस। निंदा रस हरिशंकर परसाई, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों चैप्टर के आप लोग गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं से आएगा, बाहर कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा गद्यांश जो है स्टूडेंट वो मैंने बता दिया है। अब चलिए पद्यांश को भी देख सकते हैं, ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पद्यांश को भी चलिए हल करना आपको दिखा देते हैं कैसे आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ चुका है हमारा पद्यांश, ठीक है, पद्यांश पूछ लिया गया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 दो नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 नंबर आपको पद्यांश में भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश आपके सम्मुख दिए हुए हैं, इन्हीं पद्यांश को बेसिकली क्या करना है, हमें हल करना है। इसके 5 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमें दो पद्यांश इसमें भी पूछे जाते हैं, सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुध ब्रज गवान में पावन जबे लगे, ठीक है। तो पूरा आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही आपका दिया होगा, और ये रेखांकित अंश की व्याख्या खींची हुई है। अब देखिए इससे रिलेटेड जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरह से आपका गद्यांश में पूछा गया था, ठीक है। तो वो लेखक का था, ये कवि का है, तो उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो हमारा पद्यांश दिया हुआ है इसके कवि और इसके जो चैप्टर है यानी शीर्षक, इसका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी ये जो रेखा खींची हुई है कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, और कहा कहन सब लगी, ठीक है। तो हमें इसी का अर्थ बताना है, जो कि जिन जो लेखक हैं इसके, कौन लेखक हैं, बस आपको क्या है, लेखक को पहचानना होगा। तो मैं चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है उद्धव, ठीक है, उद्धव प्रसंग, ये चैप्टर का नाम हो जाएगा। अब आप लोग कवि का नाम कमेंट में बताइए यदि आपको पता है, इसके कवि के जो नाम हो जाएगा, श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो जाएंगे इसके कवि, ठीक है। तो ये आपको हो गया, चैप्टर का नाम पता गया हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने कर दिया। अब देखिए जो तीन क्वेश्चंस होगा इसी पद्यांश से जुड़े होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके आने का समाचार पाकर गोपियाँ कि झुंड के दौड़कर नंद जी के द्वार पर आने लगी, यानी इन तीनों क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका संदर्भ लिख लेते हैं, जिस तरह से मैंने गद्यांश में हल किया था। संदर्भ दोनों का अलग अलग होता है, चाहे वो आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो, ठीक है, अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम उसका संदर्भ लिखकर आपको बताते हैं। चैप्टर का नाम तो हमें पता ही है, चैप्टर का क्या नाम है, उद्धव प्रसंग, और इसके जो कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। तो जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपके चाहे गद्यांश पूछा जाए, वो आपका पद्यांश, दो दो आपके पूछे जाते हैं, तो दोनों में से किसी एक को करना होता है जो आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर संकेत लिख देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से क्या कर देंगे, हम संकेत लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को भैया ये पता चल जाए कि आपने कौन सा हल किया। तो सबसे पहले हमें आगे का दो वर्ड उठाना है, ठीक है, ये आगे का हम दो वर्ड उठा लेंगे इस तरह से, भेजे मन भावन, मन भावन, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट का जो दो वर्ड है जैसे यहाँ पर लिखा है ना सबे लगी, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर सबे लगी, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब एग्जामिनर को भैया पता चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना उसको ना आपको, पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट वाला या सेकंड वाला हल किया, क्योंकि आपने संकेत को डाल दिया है।
अब हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हमें संदर्भ लिखना है, यानी उसमें पूरे चैप्टर का नाम और कवि का नाम बताना है। तो इस तरह से हम लिख देंगे संदर्भ, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे संदर्भ, नीचे अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक स्केच से। अब ये संदर्भ हो गया, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग तरीका होता है, वो चाहे आपका पद्यांश का हो या गद्यांश का हो, तो पद्यांश का अलग तरीका होता है, चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद श्री, अब यहाँ पर जो कवि हैं श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनका पूरा नाम यहीं पर आ जाएगा श्री, ठीक है, जगन नाथ, ठीक है, श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर द्वारा लिखित, द्वारा रचित या द्वारा लिखित, द्वारा रचित यहाँ पर लिख देंगे हम, द्वारा रचित और हमारी, और हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि में संकलित, ठीक है, काव्यांजलि, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देंगे, काव्यांजलि में संकलित, यानी जहाँ पर आपको लगे कि भैया ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का ज़रूरत है, वहाँ पर आप लोग उसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कलरफुल पेन का प्रयोग बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। संकलित उद्धव प्रसंग, ठीक है, उद्धव प्रसंग चैप्टर का नाम आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, उद्धव प्रसंग, उद्धव यहाँ पर लिख देते हैं प्रसंग, ठीक है, उद्धव प्रसंग, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे, उद्धव प्रसंग, ठीक है, शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, ठीक है, शीर्षक काव्यांश से क्या है, उद्धृत है। अब ये हमारा हो गया पद्यांश का संदर्भ, कि प्रस्तुत पद श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित और हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, कौन सा भैया, ये पद्यांश हमारा, ठीक है, ये हमने चैप्टर का नाम बता दिया। अब हमारा दो नंबर यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा दिया हुआ था कि पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कैसे करना है, इसको मैंने ऑलरेडी करके बताया हुआ हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन को हमने इस तरह से लिख दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या में हमें अर्थ बताना होता है, जो ये रेखा खींची हुई है ना भैया, ये वाली रेखा, इसी का हमें अर्थ बताना है कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी इसका अर्थ क्या बताए हुए हैं। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में कि सभी गोपियाँ उत्सुकता और बेचैनी पूर्वक उद्धव से पूछने लगी कि हमारे लिए प्राण प्रिय कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, प्रत्येक को यही उत्कृष्टता थी कि उसके लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा, यानी कृष्ण जो कान्हा है भैया, गोपियाँ, सभी गोपियाँ उत्सुकता है भैया, बेचैनी पूर्व है, कौन, यानी उद्धव पर, उद्धव जो है, उद्धव जी जो है, श्री कृष्ण जी ने यानी कान्हा ने उद्धव से गोपियों के लिए कोई संदेश भेजा था, ठीक है, तो वही भैया सभी गोपियाँ जानने के लिए क्या है, उत्सुकता है, और प्रश्न यही कर रहे कि हमारे लिए क्या लिखा है, प्राण प्रिय कौन है भैया, कृष्ण जी हैं। तो ये हमारा हो गया, इसका अर्थ हो गया, जो दो लाइनें थी वो इसी से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, देखिए कि किसके आने का समाचार पाकर गोपियों के झुंड झुंड दौड़ दौड़कर नंद जी के द्वार पर आने लगे, किसके भैया, नंद जी के द्वार पर आने लगे। तो देखिए ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, कॉपी में भी मैंने आपको तरीका बताया है, मैंने कॉपी का वीडियो बना दिया है। देखिए श्री कृष्ण द्वारा भेजे हुए उद्धव के आने पर, उद्धव के आने का समाचार पाकर गोपियों के झुंड झुंड दौड़ दौड़ कर नंद जी के द्वार पर आने लगे, ठीक है भैया, गोपियों का जो झुंड है, ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा भेजे उद्धव के आने का समाचार पाकर कौन, झुंड झुंड गोपियाँ नंद जी के द्वार पर आने लगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर कौन आए थे, भैया गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश उद्धव लेकर आए थे, ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए थे। ठीक है, तो ये हमारा दो नंबर बहुत ही ईजी हो जाता है, जो कि इसी रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको जानना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर, कि दोरी दोरी नंद पेरी पूरी आवन तबे लगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है भैया। ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अलंकार की बात हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रयास अलंकार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाँच नंबर, जो कि ये पाँच क्वेश्चन था दो दो नंबर का, टोटल हमारा जो 10 नंबर है किसमें, हमारे पद्यांश में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पद्यांश को हल करने का मैंने तरीका बता दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको पद्यांश किस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया इसी में, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण उद्धव प्रसंग, ये हो गया। दूसरा महादेवी वर्मा का और जयशंकर प्रसाद का गीत, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तीसरा आपका हो जाएगा पवन दूत का, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन चैप्टर से इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में आप लोग पद्यांश के सभी पद्यांश को पढ़ लेते हैं, इन चैप्टर के एक भी नहीं छोड़ते हैं, तो 100% उसी से आएगा, बाहर नहीं आएगा, और 10 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। तरीका मैंने बता दिया है कैसे आप लोगों को संदर्भ क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है पाँचों प्रश्न का। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश को हल करना है। पूरा नंबर देगा एग्जामिनर, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कट करेगा, 100% पूरा नंबर मिलेगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय यहाँ पर देखिए, दीनदयाल उपाध्याय, देखिए दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916, ठीक है, 25 सितंबर 1916 को जयपुर जिले के धानक्या नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, धानक्या नामक ग्राम में नाना चुन्नीलाल के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किनका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। कब हुआ था, 25 सितंबर 1916 के जयपुर जिले के धानक्या नामक गांव में इनके नाना जो है चुन्नीलाल के यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, माता राम प्यारी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, यानी जो इनकी माता थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलसर, यहाँ पर देखिए जो पिता हैं इनके, रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर थे। 3 वर्ष के मासूम उम्र में दीनदयाल पिता के प्यार से वंचित हो गए, यानी जो पंडित दीनदयाल जी हैं वो अपने पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय से, जब दीनदयाल उपाध्याय जी 3 वर्ष के थे तो ये अपने पिता से वंचित हो गए, यानी उनका देहांत हो गया था, पिता के प्यार से वंचित हो गए। 11 फरवरी, देखिए 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय के आसपास उनकी हत्या कर दी गई। किनकी हत्या भैया, कौन है भैया, किनकी हत्या कर दी गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। ठीक है, 11 फरवरी 1968 को। अब आप लोग देखेंगे कि जीवन परिचय में, चाहे किसी का भी मैं जीवन परिचय लिख रहा हूँ या आप लोग लिख रहे होंगे, लेकिन मेरा तो कंप्लीट हो गया, आप ही लोग लिखेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन परिचय को आप जब भी लिखिए उसको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने 25 सितंबर 1916 जयपुर धानक्या, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनका मृत्यु कब हुआ, ये सब चीज़ें हाईलाइट कर दिया। अब एग्जामिनर देखेगा भैया तो सीधा फोकस उसी पर जाएगा। ठीक है, फोकस जाएगा तो जो आपका पाँच नंबर है, ये पाँच नंबर आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। इस तरह से आप लोग इनका जीवन परिचय को लिखेंगे। तो देखिए जीवन परिचय लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, इनका साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय लिखा हुआ क्या है, कि श्री भाऊराव देवरस से, श्री जो भाऊराव देवरस से प्रेरणा पाकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, ठीक है, इसका भी मैं आपको अर्थ बताऊंगा। ठीक है, उपाध्याय जी ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी। ठीक है, राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी, बाद में पांचजन्य, ठीक है, बाद में पांचजन्य इसमें और है, पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन यहाँ से हुआ। प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया, कि हिंदू जो विचारधारा इसको बढ़ावा देना था। उपाध्याय जी पत्रकार तो थे ही, चिंतक और लेखक भी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस धारा में वे भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे, ठीक है, जिस धारा में वो भारतीय राजनीति को ले जाना चाहते थे, ये इनकी साहित्यिक परिचय में बताया गया है। देखिए बोर्ड परीक्षा में आपका
जीवन परिचय इस तरह से पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से अभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जीवन परिचय से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार संभावना के 100% पूछे जाएँ। अब इनकी रचनाओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाएँ क्या हैं, उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। उनकी कौन भैया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए, सबसे पहला है दो योजनाएं, दूसरा है राजनीतिक डायरी, तीसरा है भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, चौथा है सम्राट चंद्रगुप्त, पांचवा है जगत गुरु शंकराचार्य, और छः है यहाँ पर देखिए एकांत मानववाद, सातवां है राष्ट्र जीवन की दिशा, और आठवां है एक प्रेम कथा। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचना है जो कि आपके इस बार की बोर्ड एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो इस तरह से भी पूछा जाएगा कि दो योजनाओं के लेखक कौन है भैया, ये जो रचना है ये किससे लिया गया, पुस्तक का नाम किससे है, तो भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को रचनाएँ और इनकी साहित्यिक परिचय का देना है, यानी साहित्यिक परिचय ऐसे देना है। बोर्ड एग्जाम में देखिए साहित्यिक परिचय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय आप लोग थोड़ा लिखिए, 80 शब्दों में इनका जीवन परिचय को लिखना होता है, जिसके लिए 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर पाने के लिए आपको साहित्यिक परिचय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय से ज़्यादा साहित्यिक परिचय इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या, जिसलिए ये इनका जीवन परिचय याद किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन परिचय को जानना। ठीक है, तो जीवन परिचय में आपका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और रचनाएं, इसमें मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूं स्टूडेंट, ठीक है, कि कौन कौन से आपके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लेखक का जीवन परिचय की मैं बात कर रहा हूं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तो हैं ही, और आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और एक आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लोगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है, 100% पक्का पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा, ये पेपर में 100% ऐसा आएगा, और ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में जीवन परिचय को लिखना है। मैंने पूरा बेहतरीन तरीका आपको बताया है कि कौन सा पॉइंट ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है, कितना शब्दों में लिखना है और किस तरह से लिखना है। राइटिंग में लिखिए, शब्दों में गैप रखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर देगा भैया, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। तो ये हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय जो कि लेखक का मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कवि का जीवन परिचय, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कवि का जीवन परिचय भी। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी का भी मैंने जीवन परिचय आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनके रचनाएँ बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रचनाएँ हैं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखना है, जीवन परिचय लिखने का बेहतरीन तरीका क्या है, टॉपर की तरह जीवन परिचय लिखना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कवि के श्रेणी में महादेवी वर्मा जी आती हैं। तो देखिए जीवन परिचय आप लोगों को हेडिंग डालना है, प्यार से हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय। देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के क्या थे, एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा, और इनका देखिए महादेवी जी का जो कि इन सभी यानी नाना माता पिता का पूरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्रभाव पड़ा, यहाँ पर देखिए इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पा आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1967 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना, ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। देखिए जो पॉइंट मुझे लगा कि ये हाईलाइट करने के लायक है तो मैंने हाईलाइट कर दिया लाल पेन से, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप ब्लैक पेन से इससे हल कर दीजिएगा। और नीचे क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि एग्जामिनर का फोकस जो है इसी पर जाए कि भैया जन्म स्थान और माता पिता का नाम सही है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सही है, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाए, पूरा ना पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है, वो टॉपर की तरह लिखना है, ऐसा ही टॉपर लिखता है। नीचे आप लोगों को हाईलाइट कर देना है जीवन परिचय को।
तो महादेवी वर्मा का ये जीवन परिचय हो गया। देखिए जीवन परिचय से ज़्यादा साहित्यिक परिचय इम्पॉर्टेंट है, तो इनके साहित्यिक परिचय के बारे में भी बात कर लेते हैं। साहित्यिक परिचय देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी बहुत सी श्रेष्ठ क्या है भैया, गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके इन्होंने नारी को अपना क्या है, स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता और अधिकारियों के प्रति क्या है, सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बोर्ड एग्जाम में इनका जो क्वेश्चन है यामा जो इनकी रचना है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा का। ऐसे पूछा जाएगा कि यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को या किस लेखिका को मिला, तो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे और एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय से ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट इसलिए होता है स्टूडेंट कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। किन रचनाओं की इन्होंने क्या, किन रचनाओं का इन्होंने क्या निर्माण किया, रचनाएं कौन सी हैं, ये किस क्षेत्र में आते हैं, इन्होंने नारी के प्रति क्या किया, इन्होंने समाज के प्रति क्या किया, ये साहित्यिक परिचय में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी मुझे जो हाईलाइट करने के लायक लगा, जैसे कि वेदना की प्रधानता, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, राइटिंग में मैंने लिखा है, देख सकते हैं शब्दों में गैप है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। राइटिंग में लिखा है साफ तथा सुंदर लिखा है, इसका कोई भी गलत मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका एक प्रकार से देखा जाए तो साफ तथा सुंदर लिखा है, कोई गंदगी नहीं है कॉपी में। पद्म भूषण से नवाजा गया तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, और शेखसरिया पुरस्कार मिला ये भी हाईलाइट कर दिया, मंगला प्रसाद पारितोषिक, यामा जो इनकी प्रमुख रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा जी का, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो इन्हें सम्मानित किया गया था, तो इसको भी, यानी जो भी पॉइंट आपको लगे आप अपने दिमाग से सोचिए कि भैया एग्जामिनर रहे, मैं समझ लीजिए कि मैं एग्जामिनर हूँ, तो मुझे ये हाईलाइट चीज़ें अच्छी लगी तो मैं पाँच नंबर पूरा दे दूँगा। अब चलिए इनका रचनाएँ देख लेता है। देखिए महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार से, सबसे पहला है निहार, दूसरा है रश्म, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत, पाँचवा दीपशिखा और छः यामा। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा। तो ये जो छः आपके कृतित्व या रचनाएँ हैं महादेवी वर्मा जी का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बहुविकल्पी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, देखिए इसके अतिरिक्त सांधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो ये जीवन परिचय में मैंने आपको बता दिया, इनका साहित्यिक परिचय और इनका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय और रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया था, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो 100% कन्फर्म है पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, स्टूडेंट एक भी नंबर नहीं कट करेगा आप लोगों का। तो आई होप कि आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगा है आज की इस वीडियो को बनाने के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैराथन वीडियो भी आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा आज की इस वीडियो में बहादुर कहानी का सारांश के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है। ये 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहादुर कहानी का सारांश के बारे में। आप लोग हमारी बातों को सुनकर भी याद कर सकते हैं, ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिए। बहादुर कहानी का सारांश बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया है आप लोगों को, पढ़िएगा आराम से। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी, बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा, आप हमारी बातों को सुनकर भी याद कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए फिर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने लिखा है, राइटिंग से लिखा है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी, बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार जनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार, यानी एक प्रकार से क्या है, कठोरता, यानी कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को, लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप में रचना की है। आत्मकथानक रूप में क्या है, रचना की है। यहाँ पर देखिए
अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घरों नौकर द्वारा जुटाई सुविधा इंसान को देखकर लेखक की पत्नी यानी अमरकांत जी की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। यानी अपने रिश्तेदारों में यानी रिश्तेदार में वो जाती थी तो वहाँ पर देखते थे कि वहाँ पर नौकर थे तो वहाँ पर सुविधा थे, तो निर्मला भी चाहती थी कि हमारे घर में क्या थे एक नौकर हो, नौकर रखना चाहती थी। बहादुर नेपाल का 12 से, देखिए बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर छोड़कर यानी गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। धीरे धीरे क्या उसके प्रति कठोरता, यानी सही से बात ना करते कठोर बात करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट, यहाँ पर देखिए गाली गलौज से जो हमने की पॉइंट लिखा है आगे मैं समझाऊँगा, से मारपीट तक की नौबत आ जाती है, तक की क्या है नौबत आ जाती है। चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, अंततः बहादुर क्या करता है घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सभी लोग, उसके कारण क्या है भैया, सभी लोग आराम के आदि हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने में घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए से होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। तो ये था हमारी भाषा में, यानी एक प्रकार से किताबी भाषा में था, ये किताब की तरह आपको इसी तरीके से लिखना होगा। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको सुनकर याद हो गया होगा, आई होप कि आपको सुनकर याद हो गया, लेकिन हमें डिटेल में थोड़ा अपनी भाषा में समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए बहादुर कहानी का सारांश और इसका उद्देश्य आता है, तो मैं उद्देश्य का भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, पहले आप सारांश का वीडियो देखिए पूरा। अमरकांत जी कौन है जो है बहादुर कहानी के लेखक, बहादुर कौन है भैया नेपाल का, देखिए नेपाल का ये कितने साल का लड़का है, नेपाल का ये 11 से, आप देखिए 12 से 13 साल का, 12 से 13 साल का ये लड़का है, ठीक है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए यानी अमरकांत जी कहानी का पात्र बनाते हुए अपने ऊपर ही पूरी क्या है एक प्रकार से कहानी को निर्माण किया है। लेखक की पत्नी का क्या नाम है, निर्मला नाम है। निर्मला यानी किसी रिश्तेदार में जाती थी तो उसके घर पर, यानी रिश्तेदारों के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि नौकर होते हैं जो कि पानी माली होता है, पानी फूलों में डालता है, नौकर होता है, घर का सारा कार्य करता है, तो नौकर द्वारा जुटाई सुविधा यानी एक प्रकार से घर का सारा काम देख कर निर्मला क्या हो जाती है भौचक्का हो जाती है। एक प्रकार से कहने का अर्थ नहीं होता है कि देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो वही होता है देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक सोचते हैं यानी खुद भी सोचते हैं कि हमारे घर में भी एक नौकर हो, ठीक है। तो बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के यानी नेपाल यानी बहादुर जो है भैया अपनी माँ के यानी माता श्री के दुर्व्यवहार यानी दुर्व्यवहार से वो परेशान हो जाता है, यानी तंग आकर घर छोड़ देता है, यानी अपना जो घर होता है निजी घर वो छोड़कर शहर चला आता है। अब भैया शहर चला आता है तो शहर में उसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, शहर में मिलेगा उसको काम, काम करेगा फिर अपना पेट पालेगा। तो देखिए चला आता है और निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है अमरकांत जी की, निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, नौकर वो बहादुर हो जाता है, नौकर वहाँ पर कार्य करता है निर्मला के परिवार में। बहादुर के प्रति यानी पहले तो यानी जब शुरुआत में जब बहादुर आया था निर्मला के घर में नया नया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते यानी सब हंस बोल कर खुशी खुशी रहते और उससे भी प्यार से बात करते, लेकिन धीरे धीरे जब दिन बीतते जाते हैं ना भैया, तो कहते हैं ना कि दिन बीतता जाता है तो अब इसके साथ अच्छे से बात ना करके तनी भर क्या है सहनशीलता से ना बात करके कटु व्यवहार यानी कठोरता से बात करते हैं,
डांट कर बात कर सकते हैं और उससे मतलब करते हैं, ठीक है, तो कठोरता से बरतने लगते हैं और वो घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ क्या घर का सारा काम करता है भैया, जो भी काम होता है एक नौकर का आप लोग समझते हैं ना, सारा कार्य करता है, बावजूद उसके साथ गाली गलौज करते हैं, यानी घर के जो सदस्य होते हैं कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, या कोई भी होता है ना कि किसी के मुंह में एक प्रकार से वो होता है कि मुंह में थोड़ी थोड़ी देर पर वो गाली देने लगते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातों पर गाली गलौज करने लगते हैं, सेम उसी प्रकार से बहादुर के साथ हो रहा था। तो गाली गलौज से मारपीट तक, यानी मारने पीटने तक, यानी नौकर के साथ मारने पीटने तक नौबत आ जाती थी। देखिए चोरी का, यानी उनके घर निर्मला के घर में एक कोई मेहमान आता है जो कि चोरी का एक प्रकार से इल्ज़ाम लगाया जाता है बहादुर पर। बहादुर कहता है भैया मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का भी पैसा या कुछ भी नहीं चुराया है, ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं। उसके बाद में क्या है, बहादुर को सब लोग घर के जो सदस्य होते हैं निर्मला के घर के सदस्य, वो लोग क्या है बहादुर को मारते हैं पीटते हैं। अंततः बहादुर क्या करता है भैया, निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है, छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य लोग उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी लोग जो हैं, पहले क्या करता था बहादुर भैया से घर का सारा कार्य करता था और निर्मला के घर के सदस्य यानी जितने भी लोग थे कोई कार्य नहीं करते थे। तो अब आराम के वो आदि हो चुके हैं, बहादुर की उपयोगिता देख कर सभी अपना घरेलू कार्य यानी उपयोगिता एक प्रकार से सहनशीलता और उसकी ईमानदारी को देख कर, क्या है जो कि काम करने की ईमानदारी को देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, ठीक है। बहादुर यहाँ पर देखिए जो मैंने की पॉइंट ऐड किया, जैसा कि मैंने बताया जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट कर देंगे तो दिखेगा, एग्जामिनर को भी दिखेगा और उसको समझ में आएगा कि बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बहादुर के साथ या किसी और के साथ, अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं परंतु अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, पानी या जब पास प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है कि परंतु अब पछताए से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जो कि लेखक कह रहे हैं अमरकांत जी, उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है बहादुर कहानी को लिखना है स्टूडेंट। अब हमारा आ चुका है खंड काव्य, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, त्यागपथी खंड काव्य का वीडियो है। देखिए जो हमारी यूपी के स्टूडेंट हैं उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य लगता है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने त्यागपथी के बारे में बताया है, अगले वीडियो में मैं किसी और खंड काव्य के बारे में बताऊंगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट के आपके खंड काव्य लगते हैं नीचे कॉमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो त्यागपथी खंड काव्य है उनके जो राजश्री हैं जो कि इनकी विशेषताएं के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, राजश्री और हर्षवर्धन का भी विशेषताएं पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल राजश्री की विशेषताएं हम पूछेंगे और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कहानी आपके हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो चलिए इनकी जो राजश्री जी हैं इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। 5 नंबर कंफर्म करना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है, क्या है सम्राट जो हर्षवर्धन जी हैं इनकी छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र बाद राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। इसकी जो चरित्र के बाद जो है राजश्री की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या हैं निम्नवत हैं, इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। राजश्री जो कि किनकी बहन है भैया, हर्षवर्धन की छोटी बहन है। सबसे पहला देखिए पॉइंट के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, 5 नंबर प्राप्त करना है तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला है हेडिंग माता पिता की लाडली। माता पिता की लाडली कौन है, राजश्री जी। देखिए राजश्री अपने माता पिता को प्राणों से भी प्यारी हैं। माता पिता को क्या भैया, प्राणों से भी प्यारी हैं। कवि कहता है, कवि कौन है भैया, कवि कहता है देखिए माँ की ममता की मूर्ति, माँ की ममता की मूर्ति राजश्री शिवकुमारी थी, सदा पिता को माँ का प्राणोपम प्यारी थी, ठीक है, तो यानी वही प्राणों से प्यारी थी। दूसरा है देशभक्त एवं जनसेवका,
ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो हेडिंग है, हेडिंग के हिसाब से जब लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने कॉपी में मैंने तरीका बताया है कैसे लिखना है। आप लोग हिंदी का वीडियो सर्च कीजिएगा कि क्लास टॉयल हिंदी की कॉपी कैसे लिखे पूरी, ठीक है। बाई शिवम स्टडी नॉलेज आप लोग लिखेंगे, बाई शिवम स्टडी नॉलेज आपको वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। उसमें मैंने पूरी हिंदी की कॉपी स्टेप बाई स्टेप लिख कर बताई हुई है। एक प्रॉपर बच्चा कैसे हिंदी की कॉपी लिखता है वो वीडियो देख लोगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा है देशभक्त एवं जनसेविका। राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने व वैधव्य आप देखे का दुख झेलती हुई भी, यानी वैधव्य यानी जो है विधवा, वैधव्य का दुख झेलती हुई भी देश सेवा में लगी रहती हैं। कौन? राजश्री जी। यानी इनके एक प्रकार से इनका खूबियों के बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं, इनकी विशेषताएँ बता रहे हैं, खूबियाँ बता रहे हैं कि इनके अंदर कौन सी खूबियाँ थी इनके राजश्री के बीच में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आदर्श नारी। जैसा कि मैंने बहादुर कहानी के बारे में बताया था, बहादुर, फिर पंचलाइट कहानी में गोधन के बारे में, ठीक है। तो यही हमारा खंडकाव्य में भी है, जो कि राजश्री की मैं पूरा खूबियाँ बता रहा हूँ। तो आदर्श नारी भी देखिए, राजश्री, राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए देख लेते हैं, समक्ष आती हैं वो यौनावस्था में विधवा हो जाती हैं। अब यौनावस्था किसको कहा जाता है, यानी जो 16 से लेकर 18 और एक होता है 13 से लेकर 14 वर्ष में। तो आप लोग समझ लीजिए दोनों में से, जो कि यौनावस्था में विधवा हो गई थी, यानी इनकी जो कि पति की मृत्यु हो गई थी, किनके पिता की, पिता नहीं पति हो जाएंगे, राजश्री, ठीक है, इनके पति की मृत्यु हो गई थी जो कि ये विधवा हो गई थी। चौथा पॉइंट देखिए, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न में देखिए, राजश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है। जब आचार्य दिवाकर मिश्र संन्यास धर्म कार्य में लगने का उपदेश देते हैं, क्या है, दिवाकर संन्यास कार्य लगने में उपदेश देते हैं, तो ये भैया हो गया सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न में। और पाँचवा है त्यागमयी न्यारी, क्योंकि भैया त्याग पति है तो त्याग तो देना पड़ेगा। देखिए, राजश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी वो उसे स्वीकार नहीं करती, ठीक है। भाई हर्षवर्धन कौन है, छोटी बहन है ये राजश्री जी, और भाई हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज राज दिए जाने पर भी वो स्वीकार नहीं करती। ये त्यागमयी नारी की पहचान है। अब देखिए पूरे का कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी जिसको हम ये कहते हैं, ठीक है, समझिए। अब देखिए इसका पूरा कंक्लूजन निकला है कि इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, करुणा का आदर्श निश्चय की अनुकरणीय है, ठीक है। तो ये त्यागपति खंडकाव्य है, जो कि पांच पॉइंट के थ्रू मैंने बताया। ये पांच पॉइंट आप लोग लिख देंगे इनकी विशेषताएँ पर, तो एग्जामिनर पाँच नंबर देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। कॉपी में भी मैंने तरीका आपको बता दिया है, और ऐसे ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, और ये पॉइंट के थ्रू लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा खंडकाव्य भी हो चुका है इस वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिएगा खंडकाव्य से रिलेटेड, कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हमारा मैराथन क्लास था, ठीक है, सात इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने, खंडकाव्य कहानी, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश को कैसे हल करना है, तरीका क्या है इसको हल करने का, ठीक है, और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएँ जो कि इंपॉर्टेंट है। और भी बहुविकल्पीय प्रश्न चाहिए तो आपको उसके लिए करना क्या है, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो ये पार्ट वन का वीडियो था स्टूडेंट, इसके बाद में हमारा पार्ट टू यानी खंड खा का वीडियो आएगा, उसमें हिंदी व्याकरण का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कितना क्वेश्चंस आते हैं इस बोर्ड एग्जाम में। तो ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, 50 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों का। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।